नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। दोस्तों, इस क्लास में हम नेशनल करंट अफेयर्स के रिवीजन की छठी क्लास पढ़ने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, इस क्लास में सभी प्रश्न आपके इम्पोर्टेंट और सिलेक्टेड हैं। हमने पिछले पांच क्लासों के माध्यम से जून 2023 तक के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया है और आज हम इस क्लास में जुलाई 2023 के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे। तो प्लीज़ आप इस क्लास को अंत तक जरूर देखिएगा। सभी प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं अपनी इस क्लास को, जिसका पहला प्रश्न है, शंघाई सहयोग संगठन के 23वें शिखर सम्मेलन में नवा स्थायी सदस्य किसे बनाया गया है। तो ये दोस्तों ईरान देश को बनाया गया है, याद रखिएगा। फ्रेंड्स, शंघाई सहयोग संगठन के 23वें शिखर सम्मेलन में नवा सदस्य बनाया गया है ईरान देश को। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत की अध्यक्षता में हुई 23वें शंघाई शिखर सम्मेलन में अतिथि देश के रूप में किसे आमंत्रित किया गया था। तो ये दोस्तों तुर्कमेनिस्तान को आमंत्रित किया गया था, याद रखिएगा। तो आपको एक चीज़ और याद रखनी है कि 23वां जो शिखर सम्मेलन हुआ था शंघाई सहयोग संगठन का, तो इसकी अध्यक्षता भारत ने की थी और इसमें दोस्तों जो मेहमान या अतिथि देश था तो वह दोस्तों तुर्कमेनिस्तान था, ठीक है। और इसी सम्मेलन में दोस्तों शंघाई सहयोग संगठन का नवा सदस्य बना है ईरान। अगला प्रश्न है हमारा कि एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 की विजेता टीम कौन है। तो ये दोस्तों भारत है। उप विजेता की बात करें तो ईरान। इसका आयोजन किया गया था दोस्तों दक्षिण कोरिया में, ठीक है। तो याद रखिएगा कि एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 की विजेता भारत रही, उप विजेता ईरान, और दोस्तों इसका आयोजन किया गया था दक्षिण कोरिया देश में। अगला प्रश्न है, हाल ही में सातवां भारत जापान समुद्री अभ्यास जिममैक्स 2023 कहाँ प्रारंभ हुआ। तो ये दोस्तों विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में आयोजित हुआ, याद रखिएगा, ठीक है। तो आपको ये भी याद रखना है कि जिममैक्स जो एक समुद्री अभ्यास है तो यह भारत और जापान के मध्य आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत ने वर्ष 2024 के लिए G20 बैठक की अध्यक्षता किसे सौंपी है। तो ये दोस्तों ब्राजील देश को सौंपी है, याद रखिएगा। मतलब 2023 के लिए G20 की बैठक की जो अध्यक्षता करेगा तो वह दोस्तों ब्राजील देश करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा बहुपक्षीय वायुसेना अभ्यास तरंग शक्ति का आयोजन कहाँ किया गया। तो ये दोस्तों राजस्थान राज्य में किया गया है, ठीक है। तो भारत का सबसे बड़ा बहुपक्षीय वायुसेना अभ्यास है तरंग शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का कौन सा बैंक दुनिया का चौथा सबसे मूल्यवान बैंक बना है। तो ये दोस्तों HDFC बैंक बना है, ठीक है। तो आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि दुनिया की पहली इलेक्ट्रिक फ्लाइंग कार मॉडल ए को अनुमोदित करने वाला देश कौन सा है। तो ये है दोस्तों USA, मतलब अमेरिका। अमेरिका दोस्तों दुनिया का पहला देश है जिसने इलेक्ट्रॉनिक फ्लाइंग कार मॉडल ए को अनुमोदित किया है। अगला प्रश्न है, दुबई में आयोजित भारत की पहली महिला कबड्डी लीग की चैंपियन टीम कौन सी है। तो ये है दोस्तों उमा कोलकाता, ठीक है। तो दुबई में दोस्तों आयोजित की गई भारत की पहली महिला कबड्डी लीग, ठीक है, जिसकी चैंपियन टीम रही उमा कोलकाता। अगला प्रश्न है, भारत की पहली पुलिस ड्रोन यूनिट कहाँ लॉन्च की गई है। तो ये दोस्तों चेन्नई में लॉन्च की गई है। इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, याद रखिएगा कि भारत की पहली पुलिस ड्रोन यूनिट चेन्नई में लॉन्च की गई। अगला प्रश्न है, RBI द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार मार्च 2023 के अंत में भारत का विदेशी ऋण कितना दर्ज किया गया। तो ये दोस्तों $624.7 बिलियन दर्ज किया गया है, ठीक है। तो याद रखना है आपको कि RBI के द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई थी मार्च 2023 के अंत में, ठीक है, जिसमें भारत पर जो विदेशी ऋण है तो वह दोस्तों $624.7 बिलियन दर्ज किया गया। अगला प्रश्न है, इसरो ने चंद्रयान 3 को इनमें से किस रॉकेट की मदद से सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। तो दोस्तों LBM 3, ठीक है,
M4, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि LBM3M4, ठीक है। तो इस से दोस्तों भारत ने या इसरो ने दोस्तों चंद्रयान 3 को लॉन्च किया है, ठीक है। तो ये दोस्तों एक रॉकेट का नाम है, ठीक है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है हमारा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश के राष्ट्रीय दिवस बेस्टल डे परेड समारोह में हिस्सा लिया। तो दोस्तों फ्रांस देश के राष्ट्रीय दिवस पर, ठीक है। तो सही आंसर है हमारा फ्रांस। अगला प्रश्न है नाटो शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया। तो ये दोस्तों लिथुआनिया देश में किया गया, ठीक है। तो नाटो शिखर सम्मेलन 2023 ये दोस्तों लिथुआनिया देश में आयोजित किया गया। अगला प्रश्न है कि विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कुल कितने पदक अपने नाम किए। तो दोस्तों 11 पदक अपने नाम किए हैं, ठीक है। भारत का स्थान दोस्तों दूसरा रहा है, प्रथम स्थान दक्षिण कोरिया देश का है, ठीक है। तो विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप 2023 में दोस्तों भारत ने कुल 11 पदक जीतकर दूसरा स्थान हासिल किया। अगला प्रश्न है फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से किसे सम्मानित किया गया। तो दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है चर्चा में रहा उविनाश ज्वालामुखी किस देश में स्थित है। तो दोस्तों पेरू देश में स्थित है। अगला प्रश्न है वर्ल्ड पैरा एथलीट चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कुल कितने पदक जीते। तो दोस्तों भारत ने कुल 10 पदक जीते थे, ठीक है। इसका आयोजन किया गया था पेरिस में, प्रथम स्थान चीन का रहा और भारत का दोस्तों 10 पदक जीतकर 19वां स्थान रहा, ठीक है। तो वर्ल्ड पैरा एथलीट चैंपियनशिप 2023 पेरिस फ्रांस में आयोजित की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुनिया का पहला मिथेन संचालित रॉकेट JUKE-2 किसने लॉन्च किया है। तो ये दोस्तों चीन ले लॉन्च किया है, ठीक है। तो दुनिया का पहला मीथेन से चलने वाला रॉकेट है JUKE-2, ठीक है। अगला प्रश्न है ग्लोबल फायर पावर सूचकांक 2023 में भारत की सैन्य शक्ति को कौन सा स्थान पर रखा गया। तो भारत की सैन्य शक्ति को चौथे स्थान पर रखा गया है ग्लोबल फायर पावर सूचकांक 2023 में, जबकि पहला स्थान दोस्तों अमेरिका देश का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस ग्रह के वायुमंडल में फोस्की की खोज की गई। तो दोस्तों शुक्र, ठीक है। तो शुक्र ग्रह के वायुमंडल में दोस्तों फोस्फी की खोज की गई है। आपको कमेंट करके बताना है कि जो हमारे 8 ग्रह हैं इन 8 ग्रहों में सबसे गर्म, सबसे चमकीला और पृथ्वी के नज़दीक कौन सा ग्रह है, ठीक है। और पृथ्वी की बहन किसे कहा जाता है। तो ये सभी बातें बतानी है आपको कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न है वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा है। तो दोस्तों बेंगलोर। वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में शामिल होने वाला बेंगलोर भारत का पहला शहर बना है। अगला प्रश्न है भारत के 83वें शतरंज ग्रांड मास्टर कौन बने। तो ये बने हैं दोस्तों आदित्य सामंत। आदित्य सामंत ये दोस्तों भारत के 83वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं। 212वां प्रश्न है कि राजस्थान के किस जनपद में चंबल नदी के तट पर दुनिया का पहला हेरिटेज रिवर फ्रंट बनाया गया है। तो ये दोस्तों कोटा में बनाया गया है, ठीक है। तो कोटा राजस्थान में चंबल नदी के तट पर दुनिया का पहला हेरिटेज रिवर फ्रंट को बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री द्वारा कहाँ पर भारत मंडपम का उद्घाटन किया गया। तो दोस्तों प्रगति मैदान नई दिल्ली में। प्रगति मैदान नई दिल्ली में दोस्तों भारत मंडपम को स्थापित किया गया है और इसी के सामने दोस्तों विश्व की सबसे बड़ी नटराज की प्रतिमा स्थापित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में सेमी कॉन इंडिया प्रदर्शनी 2023 का उद्घाटन कहाँ हुआ है। तो इसका उद्घाटन हुआ दोस्तों गांधीनगर गुजरात में, ठीक है। याद रखिएगा कि हाल ही में सेमी कॉन इंडिया प्रदर्शनी 2023 का उद्घाटन गांधीनगर गुजरात में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोरिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का युगल खिताब किसने जीता। तो ये दोस्तों सात्विक और चिराग की जोड़ी ने जीता है, ठीक है। तो
याद रखना है कि कोरिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का युगल खिताब सात्विक और चिराग की जोड़ी ने जीता। तो ये थे दोस्तों जुलाई 2023 के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न। सभी प्रश्न दोस्तों आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं, ऐसा कोई प्रश्न नहीं है जो आप ये कहें कि ये प्रश्न हमारे एग्ज़ाम में नहीं आ सकता। सभी प्रश्न दोस्तों इम्पोर्टेंट हैं, सेलेक्टेड हैं, ठीक है। और ये जो हम रिवीजन कर रहे हैं दोस्तों, तो उत्तराखंड की प्रसिद्ध बुक उत्तराखंड विंसर ईयर बुक 2024 से कर रहे हैं, ठीक है। जो भी कोई आपका एग्ज़ाम होता है दोस्तों, उसमें जो करंट अफेयर्स पूछा जाता है उसमें से 70-80% दोस्तों करंट अफेयर्स के प्रश्न आपकी उत्तराखंड विंसर ईयर बुक से होते हैं, ठीक है। हमने दोस्तों इस सीरीज से पहले उत्तराखंड करंट अफेयर्स 2023 का रिवीजन किया था, उसके हमने कुल 15 क्लासें पढ़ी, ठीक है। हर एक क्लास को दोस्तों मज़ेदार तरीके से पढ़ा गया, ठीक है। उस वह जो क्लास थी हमारी, तो वह दोस्तों ऑप्शनल थी, ठीक है। अगर आपने ये 15 क्लास नहीं देखी है उत्तराखंड करंट अफेयर्स वाली, तो प्लीज़ आप उन सभी क्लास को ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आपको कमेंट करके बताना है कि आज की क्लास कैसी लगी। आई होप क्लास आपको पसंद आई होगी। आपने अगर इससे पिछले 5 पार्ट नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप ज़रूर देखिएगा। आप सभी पार्ट्स देख लेते हैं दोस्तों, तो आपसे एग्ज़ाम में एक प्रश्न भी नहीं छूटेगा, आपसे ये मेरा वादा है, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।